हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज के नए व्लॉग को। तो भाई साहब, बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। और प्रियम तो नहा लिए, नहा कर भी पूजा करिए। तो प्रियम नहा लिए, मैं नहीं नहाया हूँ, मैं लेट नहाता हूँ हमेशा। कल से तबियत, हाँ कल भी नहाया था मैं, परसों एक दिन नहीं नहाया बस मैं। वो पता क्या, मेरी तबियत खराब हो जाएगी कल से, बहुत बुरे वाली। कल रात तो पेट में दर्द इतना बुरा था, रात 1 बजे के आसपास मुझको नींद आई भाई। और पूछो मत मेरा हाल क्या था, 1-1.5 बजे नींद आई। सुबह के टाइम जाकर मतलब कि हाँ सो पाया, रिलैक्स हो गया कि हाँ मैं इधर करवट ले सकता हूँ। वरना मुझे करवट लेते हुए भी डर लग रहा था, करवट लू या ना लू, इतना डर लग रहा था मेरे को रात, क्योंकि दर्द ना बन जाए। और हमारे चिड़िया दानी को देखो, वहाँ पे बैठते खरे दाने। पता क्या है, वहाँ पे चिड़िया दाने खा रही है ना, वहाँ इनके लिए दाने रखे, दाने व्यस्त हैं ना, ये भी दाने खा रही है बैठ के, यहाँ पे बैठ के। तो गाइस, पेट में दर्द मेरे फिलहाल अब भी है हल्का हल्का सा, लेकिन खाने में मैं आज केवल मूंग की दाल की खिचड़ी बनवाऊंगा, दही के साथ नहीं खाऊंगा, क्योंकि भाई अब भी फिर वही होने लगा मोटो। तो मैं बताती हूँ, इनका हो रहा है इन्फेक्शन। परसों चटोर पर नहीं करे थे, पर क्या करे, इन्होंने ना सूप पिया था, वो भी लहसुन वाला। हाँ तो मुझे क्या पता लहसुन था बाबू, आपके पेट मुझे क्या पता, लहसुन का सूप लिया मैंने, सूप देते भाई, सूप पी लिया मैंने, पीने के बाद वो था लहसुन वाला सूप, तो थोड़ा पी लिया। मुझे क्या पता थोड़ी दिक्कत थोड़ी नहीं हो रही भाई, बोल भी नहीं कट रहा, फिर वही वाली हालत होगी मेरी। आराम करता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैंने नई चुनरी बांध दी है बाइक पर, और ये पुरानी चुनरी ना खोल दी है, क्योंकि माता रानी के वहां से मिली थी दर पे से। मैंने नई चुनरी बांध दी, पुरानी चुनरी खोल दी। तो मैं फादर बात कर रही हूँ, चलो मैं दाने खा लो, चिड़िया भी खा रही है। और अभी ना मैं मंदिर साफ कर रही थी। हाँ बेटा, आराम से बड़ी हो जाओ बेटा, पुलस्ती की सो जाओ बेटा, नहीं आती आज भले क्या रहे हो। तो अभी ना मैं मंदिर साफ कर रही थी, तो मुझे चुनरी दिखाई दी, मैंने जो है वहां पे वो कर दी। तो ये वाली चुनरी नीचे बिछाऊंगी, क्योंकि मेरे पास नीचे बिछाने के लिए कुछ आसान नहीं है, सब चीज चाहिए सर। तो मंदिर भी साफ हो चुका है, पूजा भी मैंने कर ली है, और इसने इतना परेशान किया ना बहुत ज्यादा, इसकी तो इतनी पिटाई करने का मन करता है, ना पूजा करने देती और ना ही मंदिर साफ करने देती, गंदी लड़की। दोनों भाई बेटी गई है अभी शॉप पर दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध खत्म हो गया था, और अभी नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आज जो है रस रहेंगे ये वाले, और ये वाली कचरी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि वैष्णवी के लिए मैंने पहली बार भुनी थी ना, तो उसे ना बहुत अच्छी लगी थी, तो उसके लिए आज वो थोड़ी सी पिटी भी गई, एक थप्पड़ मारा मैंने उसके, इतना तेज नहीं, मतलब हल्का सा गाल छूते हुए, तो इस वजह से वो थोड़ा सा रो भी रही थी, तो खुश हो जाएगी देख के। चलो तो मैं जल्दी से वो कचरी भून लेती हूँ। छिट्टे लगने लगे तेल के, पहले कर देते हैं, तो कम ज्यादा तेज हो रही, वरना सारी कचरी जो है जल जाएगी। तो गाइस, खाना वाला हो चुका था, खाना क्या पीने में तो खाए थे दाल चावल, क्योंकि रात की दाल बचे थे, चावल बच रहे थे, तो दाल चावल खा लिए, और मेरे लिए बनाए थे प्रियम ने मूंग की दाल की खिचड़ी। तो वजह पेट में दिक्कत हो रही है ना उस वजह से, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, पेट में दर्द नहीं आ रहा था मेरे, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हल्का खाना खाओ। तो कल मैंने रात रोटी खा ली, तो उससे ज्यादा दर्द बन गया फिर रोटी खाते ही, तो इसीलिए मैं आज मूंग की दाल बनाई। हाँ बेटा, फोन देना, ये बेटा थैंक यू, ये जमो पा जाओ भाई, जमो पा जाओ, बिल्कुल नहीं जाने की भाई, जो कहते ना काम ऐसे करते ना गंदे वाले सारे हो। तो भाई आज क्या दिन है, आज दिन है शुक्रवार का, और कल शनिवार है। तो भाई शनिवार का बहुत इंतजार रहता था मेरा पहले, कि शनिवार आएगा मेरी छुट्टी रहेगी, मेरी छुट्टी रहेगी, लेकिन अब वही छुट्टी है, तो भाई शनिवार तुम्हारा सब एक ही हो रहे मेरे लिए। तो और देखो यार, छुपी छुपी कर दिया, छुपी छुपी गेट खोल के, खोल रही गेट, वैसे भी कहा है जा, ये देखिए वैष्णव को वहाँ पे बैठी है ना, बॉक्स लेके आई है, और उसके अंदर से सारा सामान निकाल दिया है। अब तो सब बाल बहाने भी आ गए, इसने हाथ में पता क्या पहन रखा है, मेरा कंगन क्या है, वो मम्मा का है, यहाँ पे आओ लेके। तो अभी शाम के जो है 4:30 बजे है, और आज बनाना है मुझे कद्दू। पतिदेव की फरमाइश आई है कि आज कद्दू बनाए, क्योंकि जो जब छोटे वाले भाई साहब आए थे ना, तो कद्दू लेके आए थे, तो वही बनाने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो भी गुड़े के पापा बोल रहे थे, गुड़े के पापा बोल रहे थे कि आधा बना दी, पर मैं कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा बना दूंगी, मतलब पूरा बना दूंगी, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे करके। तो अभी वैष्णवी तो सो गई है,
तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए कद्दू काट लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर रोटी जाती है फिर नहीं बनाने देती। सब्जी बनाकर रख दूंगी, रोटी तभी के तभी सेकूंगी जब ये खाएंगे। गाइस आज आपको मैं कद्दू की रेसिपी बताऊंगी कि कद्दू कैसे बनता है। गाइस तो अब जल्दी से जल्दी और कद्दू काट देती हूँ, फिर आपको जो है काटने के बाद दिखाती हूँ। तो गाइस पेठा कट चुका है, अब इसे बनाती हूँ मैं। चलो तो इसकी रेसिपी दिखाती हूँ कैसे बनता है पेठा। सो गाइस पे हम दिखाएंगे आपको रेसिपी कद्दू की, लेकिन ये देखे हमारी कैसे बड़ी बड़ी हमारी दाल वाल राजमा वाल पता नहीं क्या क्या राजमा हमारा कब बना था, बनाया था जब दीदी आई थी शायद तभी बनाया था शायद। हाँ एक दिन बनाया था, हमें से बनाना नहीं आता तो सिंपल है। फिर भी कभी बनाया, पहली बार तो मैं खाता ही नहीं, कभी बनाया नहीं मैंने। वर्षा तो ये ऐसी चीजें तो वर्षा में बहुत चीज रखती है बनानी। चलो तो भाई सबसे पहले मैंने पेठा काट लिया है और मेथी दाना ले लिया है, लाल मिर्च जो कि हमारे मसलन का भार है, इसमें जीरा धनिया सब उबड़ खाबड़ कर रखी है किसी ने, तो इसे साफ करूंगी एक दिन जलते हाथ लग गया। तो चलिए तो बनाती हूँ, सबसे पहले निकाल लेती हूँ मैं लाल मिर्च जो मुझे तड़का देना है। लाल मिर्च थोड़ी गहरी है यार, वैसे लाल मिर्च भी ठीक है क्योंकि हमने ना हरी मिर्च ला रखी थी, जो बच जाती है तो उसको लाल बना देते हैं, मतलब सूख जाती है, सूखने के बाद भी लाल हो जाती है, इसीलिए तो बस इतनी सी ही लूंगी मैं। तो गाइस सबसे पहले डाल रही हूँ मैं इसमें तेल जो है थोड़ा, तो तेल अभी होने लग रहा है। तो गाइस आज बनाने जा रही हूँ मैं पहाड़ी पेठा, जो मतलब यहाँ की जो रेसिपी है पहाड़ी रेसिपी होती है पेठे की, वो सिखा रही हूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले डाल दिया इसमें तेल और अब डालूंगी मेथी दाना। तो मेथी दाना जो मैं है एक चम्मच डालूंगी, मुझे मेथी दाने का स्वाद में अच्छा लगता है। और जब ये ठीक से हो जाएगी ना हल्की सी ब्राउन तो उसमें डाल दूंगी मैं लाल मिर्च। तो गाइस अब डालू इसमें लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च अभी, और इसके बाद डालूंगी मैं लाल मिर्च, और वो हो चुकी है। अब डालूंगी मैं इसमें हल्दी, मसाला धनिया तो सारी बेकार करके ले रखी, तो एक चम्मच डालूंगी मैं हल्दी। मैं हल्दी पहले से डाल दूँ ताकि पक जाए अच्छे से और अच्छा टेस्ट लगता है। अंदर पेठा, पेठा मैंने पहले ही धो लिया था अच्छे से, इसमें डाल दिया है। अब डालूंगी मैं इसमें नमक, वो भी एक चम्मच, एक चम्मच कम रहेगा, एक चम्मच और डाल देती हूँ आधा चम्मच, क्योंकि हम ना सेंधा नमक खा रहे थे, सेंधा नमक थोड़ा कम लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाला है। और इसके अंदर डालूंगी मैं स्वाद अनुसार मिर्च। बस 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 तो खाना चला दूंगी मैं, जब डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला और थोड़ा सा अचार ताकि टेस्ट अच्छा आए। आप भी कभी ट्राई करना अचार डाल के, तो अचार डाल के ना बहुत टेस्ट लगता है, करेला हो गया पेठा हो गया इसके अंदर ना अचार का टेस्ट अलग ही आता है। तो गाइस मैं इसमें पानी भी डालूंगी, वो भी इसलिए क्योंकि जो है पेठा पानी छोड़ देता है इस कारण। और अभी तो मैंने इसमें नमक डाला है और इसमें अभी लगाऊंगी मैं 4-5 सीटें लगाऊंगी, उसके बाद ये अच्छे से हो जाएगा। फिर जब ये हो जाएगा ना उसके बाद जो है, जैसे कि अगर आपको चीनी खानी हो मतलब चीनी वाला पिठा खाना हो तो चीनी डाल सकते हो, कच्चा मीठा खाना हो जैसे गुड़ होगी शक्कर होगा आप उसका भी जो है पिठा बना सकते हैं। पर गुड़े के पापा को कच्चा मीठे का पसंद है तो, और मुझे खानी है चीनी वाला तो चीनी ये भी खा सकते, मैं कच्चा मीठा नहीं खा सकती तो मैं चीनी वाला बनाऊंगी। तो मैं इसके अंदर बनने के बाद चीनी डालूंगी। तो ये देखो सीटी आनी शुरू हो गई है जल्दी, हमारा कुकर ना बहुत अच्छा है जल्दी सीटी मार देता है इन्हें देख के। तो भाई जितना इसका पेठा बने इतना बैठ के थोड़ी सी फिल्म देख लो, एक फिल्म देख रहा था मैं और हमारी बुढ़िया रानी सो रही अभी, सो रही क्या उठ गई। तो गाइस अभी 4 सीटी के बाद कद्दू हो चुका है देखिए, और हमारी लड्डू भी हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डालूंगी चीनी, और चीनी डालूंगी अपने स्वाद अनुसार, वैसे तो हमारी सारी चीनी खप जाएगी इसके अंदर, तो मैंने सारी डाल दी। और इसे अच्छे से चला के अब इसे कर दूंगी बंद, और इसमें 3-4 सीटी और लगवाऊंगी ठीक है। अब मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारी गुड़िया, और
चार सिट्टी और लगोगे, चार सिट्टी में ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। अब जाइए आप अंदर, वैसे भी उठ देखो कौन उठ गया है, देखिए इसको ठंडा हो चुका है बिल्कुल, और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। और ये देखिए आप, ऐसे ना अच्छे से मैं ऐसे ना घोट दूंगी, हमारे इसे घोट बोलते हैं, ऐसे 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 करना, इसका कचुम्बर निकालना। और देखिए कसम से कितना अच्छा बन रहा ना। और अगर आपकी मर्जी आपको और भी मसाले डालने होते तो वो भी डाल सकते, गर्म मसाला हो गया या आपको जो भी मसाला डालना होता है वो डाल सकते हो उसमें। तो हम ना सिंपल ही करते हैं, और पेठा वही अच्छा लगता है, जितना सिंपल बनेगा ना उतने अच्छा लगता है पेठा, तो मैंने तो बिल्कुल सिंपल बनाया है, इसमें गर्म मसाला वगैरह कुछ नहीं डालनी थी मैं। तो ये देखिए, और आपको कद्दू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको और कौन सी रेसिपी देखनी है, किस चीज की रेसिपी देखनी है वो भी जरूर बताएगा, जरूर लेके आऊंगी मैं उस चीज की रेसिपी। और बस ठीक है, तो चलिए तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके बताना आपको आज का व्लॉग लगा कैसा। मिलता है, बाय बाय, टाटा, जय माता दी, राधे राधे।